दोस्तों, अगस्त का महीना स्पेस में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस महीने में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस भी अपने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर चुका है। बता दूं कि चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद 11 अगस्त को रूस ने भी 47 साल बाद अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, 1976 के बाद ये पहली बार है जब रूस ने अपना यान फिर से चांद पर भेजा है। इस मौके पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस को सफल लॉन्चिंग को लेकर बधाई दी। इसरो ने ट्वीट करके लिखा, लूना के 25 के सफल प्रक्षेपण पर रोस्कोसमोस को बधाई। हमारी अंतरिक्ष यात्राओं में एक और मीटिंग पॉइंट होना अद्भुत है। हम कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन दोनों अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मिशन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों मिशन की क्या खासियत है, चंद्रयान 3 क्या काम करेगा और लूना 25 का चांद पर क्या काम होगा। इन दोनों मिशन की लैंडिंग से लेकर काम करने की अवधि तक सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ यानी रूस ने लूना 1 अंतरिक्ष यान भेजा था। अगर सही कहें तो यहीं से मून मिशन की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। लेकिन इस मिशन में रूस को खास कामयाबी नहीं मिल सकी थी। रूस को बड़ी सफलता दूसरी बार लूना 2 मिशन में मिली थी। इसने चांद की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिससे पता चला कि वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तब से अब तक रूस 24 लूना मिशन लॉन्च कर चुका है। रूस ने अपना आखिरी मून मिशन लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया था और 1976 के बाद अब ये पहली बार है जब रूस का कोई चंद्रयान चांद पर फिर से जा रहा है। दोस्तों, रूस का 25वां मून मिशन यानी लूना 25 अब चांद की ओर निकल चुका है। ये 5 दिन तक चांद की तरफ बढ़ता रहेगा। इसके बाद ये उसकी ऑर्बिट में 7 से 10 दिन तक चक्कर लगाएगा। माना जा रहा है कि ये 21 अगस्त से 22 अगस्त के बीच चांद की सतह पर लैंडिंग कर सकता है, जबकि हमारे भारत के चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को शाम को लैंडिंग करने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब कि रूस का ये मून मिशन चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच जाएगा, जबकि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस को चांद पर पहुंचने के लिए इतने कम दिन लग रहे हैं, जबकि चंद्रयान 3 को इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। तो बता दूं कि उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। खैर, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, लूना 25 को सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। लूना 25 भी चांद में साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा और बता दूं कि चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने का रूस का ये पहला मौका होगा। इससे पहले जो भी चंद्र मिशन किए गए वे सभी चांद के इक्वेटर पर पहुंचे हैं। रूस का यह मिशन चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर रिसर्च करने, पानी व अन्य चीजों की खोज करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन मून भारत से पहले सफलता हासिल कर सकता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने बताया कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की यात्रा करने में लगभग 5 दिन लगेंगे, जबकि इसरो 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 की लैंडिंग की योजना बना रहा है। दोस्तों, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लूना 25 अंतरिक्ष यान 5 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रमा के पास पहुंचेगा। इसके बाद लूना 25 चंद्र कक्षा में लगभग 5 से 7 दिन बिताएगा। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास तय किए गए संभावित 3 लैंडिंग स्थलों में से किसी एक पर लैंड कर जाएगा। हालांकि चंद्रयान 3 की भी लैंडिंग साउथ पोल पर ही होनी है। इसके लिए रोस्कोसमोस ने कहा कि दोनों मिशन एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में लैंडिंग की योजना बनाई है। रूस की एजेंसी ने कहा कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करें या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। लूना 25 और चंद्रयान 3 मिशन के बीच क्या अंतर है? जानकारी के अनुसार रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा, साथ ही लूना 25 चांद की अंतरिक्ष संरचना पर भी रिसर्च करेगा। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना है। लूना के 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट, प्रोपोलेंट टैंक, एक ऊपरी हिस्से में सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण शामिल है, जबकि हमारे चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। रोवर चंद्र सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पोलेट सुसज्जित है। क्या है मिशन की अवधि? दोस्तों, रूस का ये लैंडर चांद पर करीब 1 साल तक काम करेगा और रेजोलेथ एक्सोस्फेरिक धूल कणों का अध्ययन करेगा। वहीं भारत का चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 2 सप्ताह तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लूना 25 को सोयूज 2 ब्रिगेड बूस्टर से लॉन्च किया गया था। खैर दोस्तों, इन दोनों मिशन से दोनों देश यानी रूस और भारत को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तरफ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर पहुंचने वाले देशों की सूची में अपना नाम लिखवाना चाहता है, वहीं रूस भी 1976 के बाद पहली बार चांद पर सफल लैंडिंग करना चाहता है। वैसे मैं इन दोनों मिशन के सफल लैंडिंग होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अगर आप भी मेरी तरह इनकी लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।